आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड कल्चर रिलेशनशिप। भाषा और संस्कृति जो हमारी सभ्यता होती है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है या उनका क्या संबंध है। तो जानते हैं लैंग्वेज एंड कल्चर क्या है। लैंग्वेज इज द प्रिंसिपल मीन्स बाय विच वी कंडक्ट आर सोशल लाइफ। भाषा एक वो सिद्धांत है, एक मुख्य वो साधन है जिसके आधार पर हम अपने सामाजिक जिंदगी को कंडक्ट करते हैं, यानी हम अपनी सामाजिक लाइफ को जीते हैं भाषा के आधार पर ही। इट बिकम्स कनेक्टेड टू कल्चर, और यह हमारी जो संस्कृति होती है उससे भी जुड़ जाता है, संबंधित हो जाता है। व्हेन यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन के संबंध में भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, यानी अगर जहां हमने भाषा का प्रयोग किया ये स्वतः ही कल्चर संस्कृति के साथ भी जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। लैंग्वेज एक्सप्रेसेस कल्चरल रियलिटी, भाषा की जो है सांस्कृतिक जो वास्तविकता होती है, रियलिटी उसको व्यक्त करता है। लैंग्वेज एम्बॉडीज कल्चरल रियलिटी, और भाषा ही सांस्कृतिक जो रियलिटी होती है इसको एम्बॉडी संगठित करके भी रखता है। लैंग्वेज सिंबलाइजेज कल्चरल रियलिटी, एक सिस्टम फाइनली जो लैंग्वेज होती है वो सांस्कृतिक जो वास्तविकता होती है उसका वो प्रतीक भी माना जाता है, एक प्रणाली मानी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज डिटरमाइंस द वे द लैंग्वेज दैट इज स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज व्यू द लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो जो भाषा का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, वो उन रास्तों को तय करता है जो भाषा एक स्पीकर इस्तेमाल करता है, या हम ये कह सकते हैं स्पीकर की जो भाषा होती है, जो बोलने वाले की जो भाषा होती है वो संसार की भाषा को भी क्या करती है, विपणित प्रदर्शित करती है। यानी एक भाषा, एक बोलने वाले की भाषा जो है वो पूरे संसार की भाषा को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी हम भाषा के आधार पर ही पूरे संसार की भाषा को समझ सकते और देख सकते हैं। कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन लैंग्वेज, कल्चरल रिक्वायरमेंट्स डू नॉट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज बट इन्फ्लुएंस हाउ इट इज। कल्चर जो संस्कृति होती है वो हमारी भाषा में ही प्रभावित होती है, और कल्चर रिक्वायरमेंट किसी चीज को लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर को निश्चित नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, बल्कि उसको कैसे प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से प्रभाव डाला जाता है उसको ये व्यक्त करती है। इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन लैंग्वेज, संस्कृति का हमारी भाषा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कल्चर इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज एक्विजिशन फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज, यानी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था से ही संस्कृति जो है वो हमारी जो लैंग्वेज का जो लैंग्वेज जो सीखने का जो तरीका है, उसको इकट्ठा करने का, यानी कहने का मतलब उसको लर्न करने का जो तरीका है उसको प्रभावित करती है थ्रू द एंटायर डेवलपमेंटल प्रोसेस। बल्कि पूरा जो हमारा डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया होती है, हम शुरू से लेकर जो अंत तक कुछ ना कुछ अपने अंदर डेवलप करते चले जाते हैं, विकसित करते चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी भाषा के आधार पर ही होता है। और अगर कल्चर को भी अगर हम डेवलप करते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज के आधार पर ही होगा। कल्चर इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के जितने पहलू हैं उन सभी को संस्कृति कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इट इज थ्रू यूज ऑफ लैंग्वेज, ये भाषा के प्रयोग की वजह से ही होता है, डेट एन इंड्यूसर इज ट्रांसफॉर्म इंटू एजेंट ऑफ कल्चर, कि भाषा ही एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति का वो एजेंट भी बन जाती है। यानी कोई भी संस्कृति एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर अगर जाती है तो वो हमारी भाषा के आधार पर ही जाती है, कि हमारे पूर्वज ऐसा कहा करते थे, पूर्वज ऐसा किया करते, तो वो भाषा के माध्यम से ही वो चीजें आगे बढ़ती है, इसीलिए उसको एजेंट ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। कल्चर हैज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल एनकोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस। संस्कृति एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव रखती है हमारे, चाहे वो वर्बल हो या हमारे नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब था हमारी रिटन लैंग्वेज हो सकती है, हमारी ओरल यानी बोल स्पोकन लैंग्वेज हो सकती है। नॉन वर्बल जिसमें हम केवल सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी भी ना रिटन ना ही हम ओरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और हम जो भाषा को समझते ही एक्सप्रेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो एनकोडिंग डिकोडिंग जो प्रोसेस होते हैं उससे काफी प्रभावशाली ढलती है। कल्चर इफेक्ट नॉट ओनली लैंग्वेज लेक्सिकॉन्स बट आल्सो द फंक्शन ऑफ द। संस्कृति जो होती है वो हमारी केवल भाषा लेक्सिकॉन, भाषा की जो डिक्शन होता है, भाषा का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन, उसी को प्रभावित नहीं करती, बल्कि
किस तरीके से वो कार्य करती है, प्रैग्मेटिक कैसे वो यूज की जाती है, उसको भी प्रभावित करती है। चेंज इन सोसाइटी में प्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग लिंग्विस्टिक, जिस तरीके से भाषा में अगर परिवर्तन होता चला जाएगा तो उस तरीके से समाज में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। यानी संस्कृति को का एजेंट लैंग्वेज मानी जाती है, और लैंग्वेज के आधार पर ही संस्कृति को प्रेजेंट कर सकते हैं, और लैंग्वेज को भी जो डिटरमाइन करता है कि कब कहाँ की कैसी लैंग्वेज है, वो भी कहीं ना कहीं संस्कृति उस पर को इन्फ्लुएंस करती है। कल्चर एंड लेक्सिकॉन्स सेल्फ अदर डिफरेंट, देखिए इन ये एक एग्जाम्पल है। इन यूएस द यूज ऑफ आर बी इज प्रिवलेंट। अक्सर यूएस की बात करें तो जो आई का प्रयोग है बी इज प्रिवलेंट, और आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन इज प्रिवलेंट है, यानी इसको प्रिवलेंट माना जाता है। बट इन जापान दे आर कल्चर रूल्स गवर्निंग हाउ टू रेफर सेल्फ एंड अदर। लेकिन जापान में सांस्कृतिक कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि अपने आप को या दूसरों को किस तरीके से आप गवर्न करें। यहाँ तो हमने आई और बी का इस्तेमाल किया, लेकिन जापान में एक सांस्कृतिक नियम के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज डिपेंडेंट लार्जली ऑन द स्टेटस रिलेशनशिप बिटवीन एंड अदर पर्सन। ये डिपेंड करता है सामने वाले आपके बीच में कि रिलेशनशिप क्या, उसका स्टेटस रिलेशनशिप का क्या, कि आप किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हम जो मॉडर्न्स होते हैं वो अक्सर वी का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग अगर देखा जाए दूसरे लोग होते हैं वो हमेशा आई का इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी हम सामने वाले व्यक्ति को यू क्या कर रेफर करते हैं, तो वो हमारा उसके साथ कितनी क्लोजनेस है, उसका हमारे के बीच में क्या स्टेटस रिलेशनशिप है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। दिस रिफ्लेक्ट्स इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस इन ग्रुप डिफरेंशिएशन इन जापान। और यही चीज होती है कि जब हम जापान की बात करें तो हमारा उसकी स्टेटस की इम्पोर्टेंस क्या है, और किस तरीके से जो हमारा ग्रुप है डिफरेंशिएशन उसके बीच में अंतर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो आई या बी या कोई प्रोनाउंसिएशन होता है उसका प्रयोग किया जाता है उन शब्द का। तो उम्मीद करते होंगे समझ में आएगा कि लेक्सन क्या है, किस तरीके से हम जो डिफरेंट अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे स्टेटस रिलेशनशिप हमारे ग्रुप हमारा कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है, और लैंग्वेज किस तरीके से हमारी हेल्प करती है संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, या दोनों किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि तो भाषा नहीं है तो संस्कृति का आदान प्रदान नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकती है, और भाषा के आधार पर पूरी दुनिया की भाषा को भी समझ सकते हैं, देखने का तरीका बन जाता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज एंड कल्चर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको लैंग्वेज एंड कल्चर की रिलेशनशिप क्या है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।